नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन खत्म हो गया है। अनशन के बाद सचिन पायलट ने कहा, मैंने सिर्फ करप्शन पर कार्रवाई के उद्देश्य के लिए अनशन रखा था। अगर कोई बात संगठन की होती तो मैं संगठन से बात करता। साल भर में से मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सचिन पायलट ने कहा, सुखजिंदर सिंह रंधावा कुछ दिन पहले ही प्रभारी बने हैं। मैंने पूर्व के प्रभारियों से बात की थी, लेकिन यह भ्रष्टाचार का मामला अभी तक बना हुआ है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पायलट ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है, ऐसे में कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई जरूर होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो।